नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। वित्त मंत्रालय ने व्यक्तिगत करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने का फैसला किया है। व्यक्तिगत करदाताओं के लिए वित्त वर्ष 2019-20 का आईटीआर फाइल करने की समय सीमा को एक महीने और बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दिया गया है। इससे पहले करदाताओं के लिए आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर थी। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय ने कहा कि जिन करदाताओं के खाताओं की ऑडिट करने की जरूरत है, उनके लिए आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा दो महीने बढ़ाकर 31 जनवरी 2021 कर दी गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने एक बयान में कहा कि जिन करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा विस्तार से पहले 31 जुलाई 2020 थी, उनके लिए समय सीमा 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है। इसी तरह जिन करदाताओं के खाताओं की ऑडिट किए जाने की जरूरत है और जिनकी समय सीमा पहले 31 अक्टूबर 2020 थी, वो अब 31 जनवरी 2021 तक आईटीआर भर सकते हैं। सीबीडीटी ने कहा कि करदाताओं को आईटीआर भरने में ज्यादा समय देने के लिए समय सीमा बढ़ाई गई है। इससे पहले सरकार ने मई में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 किया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।